वेलकम फ्रेंड्स। जी हाँ, आपने जो अभी थंबनेल पे देखा है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। स्पेशली जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। जिनका भी नाम फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आ चुका है, उनमें से कई बच्चे मुझे मैसेज करके, कॉल करके कह रहे थे कि काउंसलिंग कब है, काउंसलिंग कब है, और चैनल पे भी कमेंट्स करके वो पूछ रहे थे। मैं बता दिया कि 17 तारीख को काउंसलिंग होगा, यानी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन बच्चे क्या समझ रहे हैं कि 17 तारीख को जिस तरह से पहले ऑफलाइन में होता था, उसी तरह से 17 तारीख को उनको काउंसलिंग किया जाएगा उनका, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होगा वो चेक किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। वो जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आपका 9 तारीख को रात में ही आ गया था 12 बजे के बाद, तो आपको 9 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके और 16 तारीख शाम के 5 बजे तक सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि 17 तारीख को ही उनको जो है सो सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, और सर्टिफिकेट वेरीफाई होने का डेट है 17 तारीख। 17 तारीख को, यानी 17 सितंबर को काउंसलिंग होगा आपको, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है पहले ही, और उसका डेट दिया है 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। 9 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 16 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपको अपलोड कर देना है। कहाँ करना है? देखिए, सबसे पहले आपको जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो लॉगिन कर लेना है, और जैसे कि आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया होगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसी तरह लॉगिन करके वहाँ चले जाना है। और उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर जो जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वो करके सबमिट कर दीजिएगा। इसके ऊपर कैसे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस पे जो है सो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि आपको इस बीच 16 तारीख 5 बजे शाम के पहले सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर जो बच्चा नहीं करेगा उसका जो है सो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती ना करें, नहीं तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। उसी तरह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी नाम फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आया है, उनको भी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है 10 तारीख, 10 सितंबर सुबह 10 बजे से लेकर 17 सितंबर शाम के 5 बजे तक उनको सर्टिफिकेट अपलोड करने का टाइम है। उनका काउंसलिंग होगा 18 को, लेकिन सर्टिफिकेट इतना ही डेट के अंदर में अपलोड कर देना है। उसी तरह एमएड में जो है वो 11 सितंबर सुबह 10 बजे, यानी कल जो था 11 सितंबर, उसी समय से सर्टिफिकेट अपलोड करने का टाइम शुरू हो चुका है। ये 19 सितंबर शाम के 5 बजे तक टाइम है सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो आप लोग अपने आईडी पे लॉगिन करके और सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। और एमबीए, एमटेक, एमसीए और बीटेक, इसमें जो है 8 सितंबर सुबह 10 बजे से लेके और 15 सितंबर शाम के 5 बजे तक सर्टिफिकेट अपलोड करने का टाइम है, तो आप लोग भी अपलोड कर दीजिएगा। और पीएचडी वाले जो है सो उनको तो पता ही होगा, है ना। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि 12 से 30 सितंबर तक उन लोगों को सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईडी लॉगिन करके और सर्टिफिकेट अपलोड वाले सेक्शन में जाकर सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। तो ज़्यादातर जो है सो डिप्लोमा के बच्चे वो नए होते हैं, क्लास 10th पास करके अभी आए हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता है, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों से मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड कर दें इतना डेट के अंदर, यानी 16 सितंबर शाम 5 बजे से पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को देना था, और आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि किसी भी बच्चे का सर्टिफिकेट अपलोड करने से छूट ना जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और मानू एडमिशन से लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।